गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टू क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 13 तितली, इसके पहले मैं तितली कविता पढ़ा चुकी हूँ और आप लोग को समझा भी चुकी हूँ। उसका मैं आज क्वेश्चन है और प्रश्न के साथ उत्तर बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न वन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, यह कविता किसके बारे में है? क है प्रश्न, क है यह कविता किसके बारे में है? इसका उत्तर है, यह कविता तितली के बारे में है। फिर एक बार रिपीट कर दो, ध्यान सुनिए। यह कविता किसके बारे में है? उत्तर, यह कविता तितली के बारे में है। प्रश्न ख, तितली को देखकर कौन मुस्कुराते हैं? प्रश्न ख, तितली को देखकर कौन मुस्कुराते हैं? ख का उत्तर, तितली को देखकर फूल मुस्कुराते हैं। तितली को देखकर फूल मुस्कुराते हैं। प्रश्न ग, तितली किनका रस पीती है? तितली किनका रस पीती है? उत्तर, तितली फूल का रस पीती है। फिर मैं एक बार रिपीट करती हूँ, पार्ट 13 तितली। प्रश्न वन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, यह कविता किसके बारे में है? उत्तर, यह कविता तितली के बारे में है। ख, तितली को देखकर कौन मुस्कुराते हैं? उत्तर, तितली को देखकर फूल मुस्कुराते हैं। प्रश्न ग, तितली किनका रस पीती है? उत्तर, तितली फूल का रस पीती है। प्रश्न टू, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, तितली को देखकर कौन खुश होती है? प्रश्न क, तितली को देखकर कौन खुश होती है? उत्तर, तितली को देखकर कलिया खुश होती है। तितली को देखकर कलिया खुश होती है। प्रश्न ख, सभी तितली को क्या कहकर बुलाते हैं? सभी तितली को क्या कहकर बुलाते हैं? उत्तर, सभी तितली को तितली रानी कहकर बुलाते हैं। प्रश्न ग, तितली आंखों को कैसी लगती है? तितली आंखों को कैसी लगती है? उत्तर, तितली आंखों को सुंदर और प्यारी लगती है। फिर मैं एक बार रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रश्न टू, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, तितली को देखकर कौन खुश होती है? उत्तर, तितली को देखकर कलिया खुश होती है। ख, सभी तितली को क्या कहकर बुलाते हैं? उत्तर, सभी तितली को तितली रानी कहकर बुलाते हैं। प्रश्न ग, तितली आंखों को कैसी लगती है? उत्तर, तितली आंखों को सुंदर और प्यारी लगती है। प्रश्न 5 का, सही बात पर सही का निशान लगाइए। ये क्या है? प्रश्न 5, सही बात पर सही का निशान लगाइए। सही बात पर सही का चिन्ह या निशान दोनों एक ही होता है। निशान या चिन्ह दोनों एक ही होता है। तो तितली के पंख कैसे हैं? प्रश्न
कैसे हैं? हम लोग क्या करेंगे उत्तर लिखकर रंग बिरंगे के सामने हम लोग सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न ख, तितली के पंख देखकर सबका मन क्या करता है? प्रश्न ख, तितली के पंख देखकर सबका मन क्या करता है? उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग? ललचाता पर हम लोग ललचाता है के सामने सही का निशान या सही का चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न ग, यहाँ हाथ नहीं आना का अर्थ है? यहाँ हाथ नहीं आना का अर्थ है पकड़ में नहीं आना। क्या है पकड़ में नहीं आना के सामने हम लोग सही का निशान लगा देंगे। बच्चों आप लोग को पार्ट 13 तितली कविता का प्रश्न और उत्तर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसको अच्छी तरह कॉपी में उतारकर लिखकर याद करके रखिएगा। फिर मैं अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।